How sweet is such a sweet setup after such a long time. You have a red carpet. Thank you, come. पहले मैं क्या बोली? अब मैं खुद की फिल्म के लिए पहले मैं शायद गिव सम बाय लाइक व्हाट डू आई से? टेल अस योर एक्साइटमेंट. व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड एक्चुअली. आई वाज लिटिल नर्वस टिल यस्टरडे, बट देन आई वॉच्ड इट फाइनली विद माय टीम, विद साउंड एंड एवरीथिंग डन, एंड आई फील क्वाइट प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक थर्सडे. And feels very special, feels good, feels happy when everything that you've put in, it all feels worth in the end. Finally, of course, it's all up to the audience, it's up to you guys. But so far, whoever, the kind of reactions we are getting, I don't want to say too much, but I feel very, very overwhelmed. बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आई थिंक जब सब एक फिल्म के पीछे 100 से ऊपर लोगों की मेहनत होती है. शुरुआत होती है एक छोटे से एक आइडिया से, उसे इसकी कहानी बनती है, फिर डायरेक्शन एंड समवन टू बैक इट एंड आपका पूरा क्रू. दिस इज़ अ फिल्म जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट विल स्टैंड आउट, एंड चाहे क्रिएटिव हो या टेक्निकल हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आपके दिल को छुएगी. जो कहना चाहती है बात, आई थिंक वो पहुँचेगी आई थिंक आप तक. नहीं, ऑडियंस बहुत काइंड है. आई थिंक हमारी ऑडियंस बहुत काइंड है, बहुत जल्दी दिल की बात बहुत जल्दी सुनती है. थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप दैट आप भी देखें. आई नो आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, स्पेशली आर पापराजी, बट प्लीज़ वॉच इट. थैंक यू, प्लीज़ कम. सब कुछ काफ़ी दिनों के बाद कोई रिलीज है और लोग कुछ नया काम देखेंगे, नई कहानी देखेंगे. और थर्सडे एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि सिर्फ थ्रिलर नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म है. तो काफ़ी उत्सुकता है देखने की कि लोगों को कैसी लगती है फिल्म. नीचे क्यों जाते हो? चेहरा इधर है.